देखिए आज हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, चाहे आप 12th के स्टूडेंट्स हो या फिर बीए के, या फिर आप यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ पर मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स करवाती हूँ रेगुलरली, मैं भी करवा रही हूँ और मैं कंसेप्ट भी पढ़ाती हूँ। और सब जगह इकोनॉमिक्स हम लोग एक ही इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, ठीक है, माइक्रो मैक्रो स्टैटिस्टिक ये सब जगह ही पढ़ना होता है हमें, ठीक है, चाहे हम लोग क्लास 11, 12 में भी पढ़ते हैं इसको, बीए में भी पढ़ते हैं और यूजीसी नेट के पेपर में भी पढ़ते हैं। तो देखिए आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ। इसमें मोस्टली क्वेश्चन क्या है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से है, और एक मैंने क्वेश्चन कुछ डिफरेंट टाइप का लिया है, सेलेक्ट दी ऑड वन, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यही है कि सेलेक्ट दी ऑड वन, इसमें से आपको ऑड सेलेक्ट करना है, ठीक है, जो कि मैच नहीं हो रहा है। देखिए चार ऑप्शन है आपके पास, फर्स्ट कंज्यूमर टेस्ट, प्राइस ऑफ द गुड्स, और चेंज इन पॉपुलेशन, तो ये, और ये है इंक्रीज इन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो अगर आप बात करें डिमांड की या इंडिविजुअल डिमांड की, यहाँ पर कुछ डिटर्मिनेंट्स होते हैं डिमांड के, ठीक है, जिसमें से एक कंज्यूमर टेस्ट होता है। डिमांड करने के पीछे कुछ रीजंस होते हैं, एक कंज्यूमर का टेस्ट, कंज्यूमर को वो चीज़ अच्छी लग रही है इसलिए वो चीज़ खरीदते हैं, ठीक है, कोई एक प्रोडक्ट है जो कंज्यूमर को अच्छी लगती है, उसका टेस्ट मतलब उस चीज़ के लिए अच्छा है, उनको वो चीज़ पसंद है इसलिए वो खरीद रहा है, ठीक है। प्राइस ऑफ द गुड्स, उसको प्राइस भी अच्छा लग रहा है उसका इसलिए वो खरीद रहा है, ठीक है। और है चेंज इन द पॉपुलेशन, ये तीनों क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड है, ये तीनों क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड, लेकिन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ये डिटर्मिनेंट नहीं है डिमांड का, ठीक है। तो ये तीनों क्या है, मैचिंग है, ये तीनों एक ही टॉपिक का पॉइंट है, लेकिन ये क्या है, ये अलग हो गया, तो ये हो गया ऑड। तो आंसर क्या पूछा गया, सेलेक्ट दी ऑड वन, इसमें से कोई एक जो ऑड है, इस ऑड कौन सा हुआ, ये इंक्रीज इन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये चीज आपको समझ में आया। आप अगर डिमांड चैप्टर पढ़े हैं तो वहां पर आप डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड भी पढ़े होंगे, मैंने पढ़ाया भी, वहां पर मैंने बताया कि कंज्यूमर का टेस्ट, पॉपुलेशन, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि क्या होते हैं, डिटरमिनेंट होते हैं इंडिविजुअल डिमांड के लिए। एक अकेला इंसान डिमांड करता है, उसका रीजन होता है कि उसका टेस्ट ये है, मतलब उसको प्राइस अच्छा लगा, ठीक है। तो ये सब फैक्टर्स क्या होते हैं, इनकम के हिसाब से जो प्राइजेस हैं, तो ये सारे क्या होते हैं, डिटरमिनेंट होते हैं डिमांड के। लेकिन ये जो पॉइंट था इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, ये इन सब पॉइंट से थोड़ा हटके था, यहाँ पे हमको बताना था कुछ अलग, और बताना था जो कि इन सब से मैच नहीं कर रहा, ये डी ऑप्शन क्या है, और इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, देखिए क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट विल बी, तो सबसे पहले क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, दोनों टर्म्स आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। देखिए क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स, ठीक है, एक्स का परसेंटेज चेंज हो रहा है, ठीक है, देखिए मैं बताती हूँ, लिख के बताती हूँ, आपको इजीली समझ में आएगा। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करें तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई, देखिए ये क्या है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। अगर एक्स का क्वांटिटी, ठीक है, एक्स का क्वांटिटी चेंज हो रहा है क्योंकि प्राइस वाई का चेंज हो रहा है, मतलब ये एक दूसरे से क्या, एक्स का वाई से लिंक है, ठीक है, मतलब यहां पे क्या क्रॉस है, ठीक है। तो ये क्या होता है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है रेशियो किसका, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई, ये क्या आपका क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आपको ये चीज समझ में आ गया। और सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करें, ये भी डिमांड चैप्टर के ही टर्म्स है। देखिए सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है, मैंने बहुत बार बताया है, फिर भी मैं आपके लिए एक बार और मैं बता दूंगी, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है, जैसे कि जिसका इस्तेमाल हम लोग साथ साथ करते हैं, कार के लिए डीजल या पेट्रोल इंपॉर्टेंट है, उसके बिना तो कार नहीं चलेगी, तो ये क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है, ठीक है। सब्स्टिट्यूट गुड्स कुछ अलग ही है, सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है, टी एंड कॉफी, एक गुड्स के बदले में हम लोग दूसरा गुड्स यूज कर लेते हैं, जैसे टी अगर आपको महंगी लग रही है या फिर लग रहा है कि टी कॉफी का प्राइस लगभग सेम है, तो आप टी के बदले में कॉफी यूज कर लेंगे, ये दोनों क्या एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है।
ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री आपको समझ में आ गया, जिसका हम लोग इस्तेमाल साथ साथ करते हैं, कार पेट्रोल क्या है, दोनों का यूज हम लोग क्या करते हैं, साथ साथ करते हैं, साइमल्टेनियसली करते हैं। देखिए यहाँ पर हमें क्वेश्चन ये पूछा गया कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट का क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट पूछा गया है, इसमें होगा डी, इसमें क्या होगा, ये जीरो, देखिए जीरो बड़ा होता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट का, क्या होता है कि प्रोडक्ट विल बी, देखिए जीरो यहाँ पर बड़ा होगा, अगर आपको क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट का पूछे तो ऐसा होगा, जीरो बड़ा होगा, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, ये छोटा है जीरो से, मतलब कि ये छोटा है जीरो से, या ये ऐसे भी बोल सकते जीरो बड़ा है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा डी, आपको क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग को देखिए पूछा गया है कि यहाँ पर इफ टू गुड्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, ठीक है, अगर दो गुड है जो कि परफेक्टली सब्स्टिट्यूट है, ठीक है, सब्स्टिट्यूट मैंने बताया, सब्स्टिट्यूट मतलब जिसमें एक की बजाय दूसरे का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, टी के जगह हम लोग कॉफी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये क्या होता है, सब्स्टिट्यूट होता है। ठीक है, फॉर वन अनदर द इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन आपको बताना है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि इफ टू गुड आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, अगर दो गुड परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, तो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो ये क्या होगा, ये आपका होगा इनफाइनाइट, ये क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, इसका आंसर हो गया आपका ए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, इफ टू गुड्स आर नॉट सब्स्टिट्यूट। ठीक है, देखिए एक का आंसर आपको पता है, फर्स्ट का आंसर आपको पता है, सेकेंड क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम है, बस एक वर्ड लग गया नॉट, तो जो आंसर होगा फर्स्ट से जस्ट अपोजिट, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, अगर आप थोड़ा सा प्ले कर लेंगे ना इन क्वेश्चन से, मतलब आप अपनी जंग जीत जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन को आप कर लिए, अब इससे जस्ट एक अपोजिट क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो आप इसको समझिए सेम टू सेम सब कहानी एक ही है, बस यहाँ पे क्या किया है, नॉट लगा दिया गया है, तो बस आंसर इसका पॉजिटिव, यहाँ पे इनफाइनाइट इसका आंसर होता है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट मतलब जिसका कोई काउंट नहीं कर सकते हैं, वो अनंत है। ठीक है, तो उसका पॉजिटिव क्या होगा, जीरो, समझ में आ गया, जीरो। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन है, इफ टू गुड्स आर नॉट सब्स्टिट्यूट एट ऑल फॉर एन अनदर, द इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा आपका, जीरो, इसका आंसर क्या हो गया, जीरो हो गया। देखिए यहाँ पर सेम क्वेश्चन था, बस यहाँ पे नॉट लग गया, तो इसका नॉट लग गया मतलब इस क्वेश्चन का अपोजिट तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इसलिए आंसर यहाँ पे हो गया जीरो। अब क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, सेम क्वेश्चन बस नॉट लगा हुआ, तो यहाँ पर मैं बहुत छोटे से वीडियो में एक कंसेप्ट क्लियर कराना चाहती थी, आपका कितना कंसेप्ट क्लियर हुआ है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखिए एक कंसेप्ट से कितने सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, इसलिए सारे कंसेप्ट को अच्छे से पढ़िए। अब लोग मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ।